नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। इस बार सन 2015 14, 15 और 16 जनवरी उत्तरायण का महापर्व है। उत्तरायण महापर्व के दिन संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा विशाल कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में वैसे तो बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते हैं, परंतु उनके मुख्य आश्रम अहमदाबाद में विशाल स्तर पर इस उत्तरायण के पर्व को मनाया जाता है। संत श्री आशाराम जी बापू के अहमदाबाद स्थित इस आश्रम में इस बार भी 14, 15 और 16 को उत्तरायण का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें युवा सेवा संघ, महिला मंडल और बाल संस्कार के विभिन्न कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी। संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा समाज सेवा के बहुत से सेवा कार्य किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में ग्वालियर आश्रम में संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा ग्वालियर से 70 किलोमीटर दूर आदिवासी ग्राम मूड़खेड़ा में आदिवासियों में सर्दियों के कपड़े, टोपी, वस्त्र, स्वेटर और कंबल आदि वितरण किए गए। साथ ही साथ जीवन जरूरियात वस्तुओं का भी वितरण किया गया। कलकत्ता में गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने विशाल निशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया। साथ ही साथ वहां पर निशुल्क भोजन एवं भंडारे प्रसाद का भी आयोजन था। पटियाला आश्रम में लोहड़ी के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया, जिसमें संत श्री आशाराम जी बापू के रिहाई के लिए भी सभी ने मिलकर प्रार्थना भी की। बड़ौदा में विशाल महिला शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर योग आसन प्राणायाम के साथ साथ उन्हें जीवन के सर्वांगीण विकास की कुंजियां भी दी गई। इसी के साथ साथ भदोही आश्रम में माला पूजन एवं जप का कार्यक्रम किया गया। प्रार्थना और जप करके सभी ने संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई की कामना की। जैसे जैसे 14 फरवरी का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे संत श्री आशाराम जी बापू की संस्थाएं बहुत तेजी से कार्य करने लगी हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस का विशेष रूप से कार्यक्रम मनाया जाता है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। इस दिन जहां पूरा विश्व शराब नशे में धुत होता है, वहीं संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा विशेष रूप से इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा यह त्यौहार माता पिता की आरती, पूजा और उनके आशीर्वाद से संपन्न होता है। ये मातृपितृ पूजन दिवस केवल 14 फरवरी ही नहीं, बल्कि उससे एक महीना पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए जाते हैं और साथ ही साथ विदेशों में भी ये कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम रायपुर, नासिक और डोंबिवली जैसे क्षेत्रों में किए गए, जहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपने माता पिता का पूजन किया।
बिलासपुर, इगलास, रायपुर और सियोल जैसे क्षेत्रों में संत श्री आशाराम जी बापू को समर्थन देते हुए हजारों लाखों लोग सड़कों पर आए। उन्होंने राष्ट्र जागृति यात्राएं निकालकर संत श्री आशाराम जी बापू से जुड़ी सच की किताबें बांटकर तथा ऐसी सामग्रियों का वितरण करके संत श्री आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचाई। इतना ही नहीं, आज भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी यात्राएं निकाली जा रही हैं। स्वास्थ्य और अपने इतिहास से जुड़ी और अपनी संस्कृति से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org और mangalmaylive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।